नमस्ते प्रणाम। हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में जो हुआ है ये कांड, इसके विषय में जो बहुत दुखदा खबर है, बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ा सा चूक के वजह से पूरा परिवार बिखर गया और मौलाना साहब पानी से मतलब इधर बाहर तड़पते रहे अपने फैमिली को बचाने के लिए। शायद उनका कोशिश नाकाम था और कुछ लोग भी वहाँ पे लगे थे बचाने के लिए, जो रेस्क्यू तो नहीं थे लेकिन हाँ आम जनता थे जो बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, जो बचाने की कोशिश करे लेकिन नाकाम रहे। और वो पेड़ जो आप लोग देखे हैं तोड़कर वो पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी को पकड़ के एक एक करके निकाल लेंगे, लेकिन कहते हैं नहीं दोस्तों कि जब कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसा कुछ होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, इंसान होपलेस हो जाता है। वहाँ पे तीन चार लोग महिलाएं भी खड़ी हैं, एक महिला साड़ी पहनी थी और कुछ लोग जो है दुपट्टा था। अगर कोशिश करते तो साड़ी में दुपट्टा बांध करके फेंकते तो शायद एक एक लोग को तान लेते, लेकिन कहते हैं नहीं कि जब दुख आता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, तो शायद इसी सब में वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सारे के सारे बह गए और बच्चा फैमिली पूरा मतलब परिवार ही बह गए। बहुत दुख हुआ वीडियो देख करके दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ, जो नहीं होना चाहिए। एक परिवार उजड़ गया, एक घर बर्बाद हो गया और वो लोग बेचारे आए थे शादी में, तो शादी में आए थे घूमने के लिए, जो चले गए पिकनिक मनाने के लिए। जो इतना बड़ा कांड हो गया दोस्तों, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं क्या बोलूँ इसके लिए। बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मौलाना साहब को भगवान दुख सहने की शक्ति दे और जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान स्वर्ग में वास करे उन लोगों की। जो नहीं होना चाहिए दोस्तों वो हो चुका है, इसमें क्या कहा जाए, किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्लियर हमको पता भी नहीं है। और वीडियो देखे हैं तो बहुत दुख हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, जिसके वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग मौलाना साहब के लिए, उनके परिवार के लिए आप लोग दुआ करिए कि इस दुख से मौलाना साहब निकल पाएँ और जो इस दुनिया में नहीं है उनके आत्मा को शांति के लिए आप लोग दुआ करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।